फ्रेंड्स, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, उसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम्स को कैसे प्रूव करते हैं, हम ये सब कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं, कि क्योंकि उन डेफिनेशन का हमें यूज होता है उनके थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास फेजिबल सॉल्यूशन। फिर फेजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ आर डिसीजन वेरिएबल एक्स जे, जो भी डिसीजन वेरिएबल होते हैं हमारे पास, जैसे कोई एलपीपी है हमारे पास, तो उसमें जो भी कंस्टेंट होते हैं उन कंस्टेंट को जो भी सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ में नॉन नेगेटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे जो सेट है, ऐसे जो वैल्यूज हैं उनको हम कहते हैं कि वो जो सेट बना रहे हैं वो फेजिबल सॉल्यूशन है, उनका जो सॉल्यूशन में रीजन है वो फेजिबल रीजन है। सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल एक्स जे जे बराबर 1 टू एन विद सेटिस्फाई द कंस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन ऑफ जनरल एलपी मॉडल एंड सेट टू बी कॉन्स्टिट्यूट द फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपी मॉडल। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन फॉर अ सेट ऑफ एम इक्वेशन इन एन वेरिएबल, यानी एम से एम इक्वेशन है उसमें एलपी प्रॉब्लम में, और n वेरिएबल तो अधिकतर जो होता है हमारे पास वही होता है कि n ग्रेटर देन m होता है, बहुत ही कंडीशन कम होती है जिनमें हमारे पास m कम हो, m ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन बहुत ही कम मिलती है हमारे पास। तो फॉर अ सेट ऑफ m इक्वेशन इन n वेरिएबल आ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग n माइनस m इक्वेशन, यानी n माइनस m इक्वेशन को हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो दोनों तरफ हमारे पास m वेरिएबल बच जाएंगे और m ही इक्वेशन बच जाएंगी। तो उसके बाद जो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकलता है जो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, फॉर अ सेट ऑफ एम इक्वेशन इन एन वेरिएबल अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग एन माइनस एम वेरिएबल इक्वल टू जीरो एंड सॉल्विंग फॉर रिमेनिंग एम इक्वेशन इन एम वेरिएबल इज कॉल्ड द बेसिक सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स आता है हाइपरप्लेन क्या कहते हैं। हाइपरप्लेन हम जानते हैं जैसे इक्वेशन जो C1 x1 + C2 x2 C1 और C2 दोनों कांस्टेंट है इक्वल टू रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर यानी कि 2D में एक लाइन को शो कर रहा है। इस तरह से हम 3D में देखते हैं तो C1 x1 + C2 x2 + C3 x3 = Z, ये हमारे पास R3 में एक प्लेन को शो कर रहा है। इसी तरह RN या n डायमेंशन में शो करने के लिए C1 x1 + C2 x2 · CN xn जो होगा n डायमेंशन में हमारे पास प्लेन को शो कर रहा होगा। तो इस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं कि यह हाइपर प्लेन की इक्वेशन है। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ जेड दिस इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ जेड दिस हाइपर प्लेन इज कॉल्ड ऑप्टिमल हाइपर प्लेन, यानी कि जिस वैल्यू पे हमारे पास इसकी वैल्यू ऑप्टिमल आई है, मैक्सिमम आया मिनिमम कुछ पूछा होगा उसमें, तो वो कहलाता है हमारे पास ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। अब हमारे पास जो आता है वो हमारे पास ओपन हाफ स्पेस। ओपन हाफ स्पेस फ्रेंड क्या होता है, जो हाइपर प्लेन होता है या तो वो सी एक्स लेस देन इक्वल टू जेड होगा या सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड सी एक्स लेस देन जेड होगा या सी एक्स ग्रेटर देन जेड होगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। अगर उसको इक्वल का साइन आता है तो वो हो जाता है हमारे पास क्लोज हाफ स्पेस, यानी जो अगर एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा है, कोई सा भी एक है तो वो हो जाएगा हमारे पास हाफ स्पेस, यानी क्लोज हाफ स्पेस। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, किसी दो पॉइंटों को जो मिलाने वाला जो लाइन होती है और उस पॉइंटों को सारे पॉइंटों का जो सेट होता है, यानी एक्स वन कोई पॉइंट है और एक्स टू कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को जो मिलाने वाले लाइन होगी उस लाइन पर जो भी हमारे पास पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंटों का जो सेट होगा वो लाइन सेगमेंट होता है। इन RN में देखते हैं तो हमारे पास द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 एंड x2 डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ पॉइंट x = λ(x1+1−λ)x2 जहां पे लैम्डा है वो 0 to 1 के बीच में है। फिर 0 to 1 के बीच में ये है इसलिए इसका मतलब है जो इस लैम्डा की अगर हम वैल्यू पुट करें तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास या तो x1 से छोटी आएगी और x1 से बड़ी और x2 के बीच में, यानी x1 और x2 इन दोनों के जो बीच में जो पॉइंट होंगे वही पॉइंट आएंगे हमारे पास। तो उस उनके बीच के जो पॉइंटों का जो सेट होता है, एक लाइन के बीच के दो जो पॉइंट होते हैं, एक लाइन के जो भी पॉइंट होते हैं बीच में उन पॉइंटों का जो सेट होता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब फिर यहाँ से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कॉन्वेक्स सेट की। डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है। डेफिनेशन जो है,
A set C in n dimensional space is said to be convex if for any two point x1 and x2, यानी कि उसमें कोई भी हम दो पॉइंट ले लें, कहीं ले लें उसी में से, सेट में से, पर कहीं भी ले लें हम, उनका जो सेट होगा इन द सेट सी में से ले लेंगे द साइन लाइन सेगमेंट, यानी जो उनको लाइन जो जिस लाइन से मिलाएंगे वो जो उसको हम शो करते हैं x1 एंड x2 से, इससे जॉइनिंग दीज पॉइंट इज आल्सो इन द सेट सी, यानी जो लाइन सेगमेंट को मिला रहे हैं तो वो लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट, या जैसे हम 2D में देखें तो जो भी लाइन से लाइन मिला रहे हैं वो लाइन पूरी लाइन जो है अपने पास उसी सी कर्व में आनी चाहिए। जैसे हम इसमें ये देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं, हम ये सर्किल है एक, तो सर्किल में हम कहीं भी दो पॉइंट ले लें, उनको मिलाने के लिए हम सिंपली कहीं से भी मिला लें, यहाँ से बी पे मिला, इधर से इधर मिला, लेकिन प्लेन सर्कल के अंदर से ही है, और उनको मिलाने पर हम देखते हैं जो लाइन आती है वो सर्कल के अंदर ही जाती है, कहीं भी बाहर नहीं जाती। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स सेट। इसी तरह से स्क्वायर ले लिया हमने फ्रेंड्स, इसको देखिए तो यहाँ पे भी हम कहीं भी मिला लें, यहाँ से यहाँ भी मिला लें, कोई भी पॉइंट में ले लें हम उनको मिला लें, तो वो पॉइंट जो लाइन होगी उसी के अंदर होगी, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट है। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, कहीं भी हम दो पॉइंट ले लीजिए, आप कर्व पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, इसकी जो कर्व बनी हुई है, लाइन जो बनी हुई है, इन पे भी ले सकते हैं बाहरी कर्व पे, तो यहाँ पर भी जो यहाँ से और अंदर की तरफ ही मिलाना है, पर बाहर नहीं जाना है, बाहर का पॉइंट नहीं लेना, तो अंदर के पॉइंटों को मिलाने पर हम देखते हैं जो लाइन आएगी वो इसी के अंदर ही आएगी। अब जैसे ट्रायंगल में देखते हैं, तो ट्रायंगल में भी फ्रेंड्स हम कहीं भी मिला लें तो ट्रायंगल भी एक कॉन्वेक्स सेट है, बट जैसे इसमें देखते हैं हम, इस फिगर में हम देखते हैं तो यहाँ पे ए लिया हमने, यहाँ बी लिया और इनको मिलाया हमने, इन दो पॉइंटों को मिलाया, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से और यहाँ से तक, ये लाइन जो है वो कर्व से बाहर है, तो उसका मतलब है ये जो सेट है, ये इसका जो जिस भी इसके पॉइंट और इसके पॉइंट, इनको जो सेट मिला है वो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं हम इसमें, तो ये पूरा सेट है एक तरह से 2D में, तो अब यहाँ से मिला रहे हैं और यहाँ से मिला रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो लाइन की दो, ये जो ये एरिया जो बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अब फिर इसमें मिलाते हैं तो ये देखिए यहाँ से ये बाहर जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अब फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सो दैट सी बराबर एक्स वन एक्स टू, इस तरह से कोई पॉइंटों का सेट है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 7, यानी कि लाइन सेगमेंट, एक लाइन है सिंपली, वो ये लाइन है और सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स सेट है, यानी कि हम शो करना चाहते हैं ये एक लाइन है जो कॉन्वेक्स सेट बनाएगी, इसमें जो भी पॉइंट आएंगे ये हमें शो करना है। फ्रेंड्स ये तो हमारे पास एक पॉइंट ले लिया, हम इसे जनरल भी प्रूव कर सकते हैं, जनरली जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, उस लाइन पर भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो पहले हम इसी पर कर लेते हैं। लेट x बराबर x1 x2 एंड y बराबर y1 y2, यानी कोई x जो लेंथ थी उसमें हमने दो पॉइंट ले लिए, एक तो x ले लिया, एक y ले लिया, और उसके निर्देशांक हमने ये मान लिए जनरली x1 x2 एंड y1 y2, यानी टू पॉइंट c है हमारे, टू पॉइंट इसके c के इस पर है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर इसमें है ये इस पॉइंट c के पॉइंट है तो इस कंडीशन को फ्रेंड सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 7 और 2y1 प्लस 3y2 इक्वल टू 7, ये दो कंडीशन आएंगे हमारे पास। उसके बाद देन z बराबर हमने इस तरह से एक लाइन सेगमेंट शो कर दिया कि लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2, जहां पे लैम्बडा की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन द लाइन सेगमेंट ऑफ x एंड y, इनका लाइन सेगमेंट है। उसके बाद हम इसको लाइन सेगमेंट को हम इसको और कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जेड बराबर एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद सिंपली अंदर मल्टीप्लाई किया, तो लैम्बडा एक्स वन प्लस लैम्बडा एक्स टू और वन माइनस लैम्बडा एक्स वन प्लस एक्स टू, उसके बाद ये आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद हमने जो कार्टेशियन सम होता है उसके अकॉर्डिंग हमने सम कर दिया, जैसे एक्स वन वाले को जो पहली टर्म है उनको पहली टर्म में सम होगा, दूसरी टर्म में उसका दूसरी टर्म में सम होगा, तो लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा बाई वन एंड लैम्बडा एक्स टू प्लस वन माइनस लैम्बडा बाई टू, ये हो गया, यानी कि इस जेड को हमने जेड वन और जेड टू शो कर दिया, तो हमारे पास जेड वन बराबर आ गया लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा बाई वन और जेड टू बराबर आ गया लैम्बडा एक्स टू प्लस वन माइनस लैम्बडा बाई टू। अब हमें करना है कि सी एक कॉन्वेक्स सेट है, तो इसके लिए हमें शो करना होगा कि ये जो जेड है, यानी जेड हमारे पूरे लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है, क्योंकि लैम्बडा की जो भी वैल्यू होंगे हम जीरो से वन के बीच में अलग अलग वैल्यू रखेंगे, तो वो पूरी लाइन को शो करेगा उस पर, तो उस लो जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि जेड ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, जेड पूरी लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है, उस लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास
सी के अंदर है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें शो करना होगा कि ये, यानी कि हमें शो करना होगा ये जो पॉइंट है, अर्थात कि 2z1 प्लस 3z2 इक्वल टू 7 आ जाए हमारे पास किसी तरह, तो वो शो करना है हमें। तो हमने 2z1 प्लस 3z2 ले लिया। अब इसके इक्वल टू हम z1 की वैल्यू रख दी इसने, हमने यहाँ पे तो z1 की वैल्यू आ गई 2, और z1 की वैल्यू क्या थी यहाँ से, लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा y1, ये हो गया। इस तरह z2 की वैल्यू क्या क्या थी ये, तो ये z2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे फ्रेंड्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से जैसे 2x1 लेमड़ा 1, और यहाँ माइनस 2 y1 सॉरी 2 by 2 1 माइनस लेमड़ा ये है। तो हमारे पास यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने देखा कि लेमड़ा कॉमन ले सकते हैं, लेमड़ा एक यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, एक यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो 2x1 प्लस 3x2 बच गया। और इधर हमारे पास 1 माइनस लेमड़ा कॉमन लिया, तो 2 by 2 प्लस 3 लेमड़ा 2, ये बच गया हमारे पास। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास सी का पॉइंट है, तो सी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसकी वैल्यू 7 के इक्वल होगी, तो वहां से हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 7 के इक्वल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी 7 के इक्वल पुट हो गई। अब प्लस फ्रेंड्स 7 हमने कॉमन ले लिया, तो लेमड़ा प्लस 1 माइनस लेमड़ा, तो लेमड़ा से लेमड़ा कट जाएगा, अंदर बचेगा 1, यानी इक्वल टू 7। सो 2z1 प्लस 3z2 इक्वल टू 7, जो कि हमें हमने शो हो गया कि जेड बिलोंग्स टू सी। जो हमारे पास सो लेंथ सेगमेंट फॉर एक्स एंड वाई इज लाइज इन सी, सो सी इज कॉन्वेक्स। अब फ्रेंड कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड हम कुछ थ्योरम पढ़ते हैं। जो पहली थ्योरम है वो है हमारे पास, आई आ हाइपर प्लेन इन आर एन इज अ कॉन्वेक्स सेट। आ हाइपर प्लेन क्या होता है फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, और यहाँ पे भी देख लीजिए, हमने हाइपर प्लेन की डेफिनेशन वही ली है। जो हाइपर प्लेन की डेफिनेशन होती है वो सी एक्स बराबर जेड, यानी कि जहाँ पे सी है अपने पास, वो हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस n का, और जो एक्स है हमारे पास वो n क्रॉस 1 का कॉलम मैट्रिक्स है। तो वो इसी तरह से हो जाएगा सी एक्स, यानी c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3, और अगर n गए तो cnxn तक इक्वल टू जेड। ये इस तरह से है हमारे पास फ्रेंड्स, ये x एक वेक्टर की तरह है। यहाँ पे b ए हाइपर प्लेन एंड आल्सो लेट x1x2 एनी टू पॉइंट, या टू पॉइंट ले लो या टू वेक्टर बोल लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी एनी पॉइंट ऑफ हाइपर प्लेन, देन अगर इसके इसके हमारे पास दो पॉइंट है हाइपर प्लेन के, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई को करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो cx1 बराबर जेड है, cx2 बराबर जेड हो गया हमारे पास। उसके बाद टू शो दैट सो हाइपर प्लेन इज कॉन्वेक्स, हमें ये शो करना है कि हाइपर प्लेन कॉन्वेक्स है। इसके लिए हमें ये शो करना होगा कि जो लाइन सेगमेंट है x1 और x2 के बीच का, वो हमारे पास जेड में आ जाए। तो उसके लिए लाइन सेगमेंट लेना पड़ेगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा x2, जो कि ये है, ये हमारे पास हाइपर प्लेन में होना चाहिए। तो हाइपर प्लेन में होने के लिए इसको हम जेड में बिलोंग करने के लिए हमें क्या, इसको जेड में बिलोंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर सी लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा x2 इक्वल टू जेड आ जाए, तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसको हमने जेड डैश बराबर पुट कर लिया, तो सी जेड डैश बराबर दोनों तरफ सी का मल्टीप्लाई किया, तो सी लेमड़ा x1 प्लस सी 1 माइनस लेमड़ा x2। यहाँ पर सी एंड एक्स दोनों मैट्रिक्स है हमारे पास, लेकिन लेमड़ा है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो लेमड़ा हमारे पास 12 आ जाएगा। इस तरह से 1 माइनस लेमड़ा भी कॉन्स्टेंट है, 12 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास cx1 और ये हो गया cx2। बट cx1 और cx2 की वैल्यू यहाँ से जेड बराबर दोनों जेड है, तो यहाँ पे हमने जेड पुट कर दिया। उसके बाद जेड यहाँ से कॉमन लिया है, जेड कॉमन लेने के बाद फ्रेंड्स लेमड़ा और प्लस 1 माइनस लेमड़ा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि लेमड़ा से लेमड़ा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जेड। सी जेड बराबर सी जेड डैश बराबर जेड, यानी कि हमारे पास जो जेड डैश है, यानी लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा x2 है, वो हमारे पास जेड में, वो हाइपर प्लेन में, हाइपर प्लेन का ही एक सेट है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये हाइपर प्लेन है, वो कॉन्वेक्स सेट है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे पास जो थ्योरम आती है, वो है हमारे पास द क्लोज हाफ स्पेस H1, एक क्लोज हाफ स्पेस है एक H1, जो कि इस तरह से डिफाइन है, सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड इज कॉन्वेक्स। फ्रेंड्स मैं इसको सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड के लिए प्रूव कर रहा हूँ, आप इसको सी एक्स लेस देन इक्वल टू जेड के लिए प्रूव कर सकते हैं। जो मैं इसमें मेथड है यही मेथड रहेगा सेम, बस हमें कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना उसका, हमारा खुद सॉल्व हो जाएगा। अब अगर कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो खुद सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने इसके दो पॉइंट ले लिए x1 x2, उसके दो पॉइंट ले लिए, तो ये पॉइंट h के हैं, तो ये h किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी सी एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जेड और सी एक्स टू लेस देन इक्वल टू जेड। अगर फ्रेंड जैसे सी एक्स लेस देन इक्वल टू जेड के लिए हम प्रूव करेंगे,
तो उसके लिए वो कंडीशन उल्टी हो जाएगी, सिर्फ मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट, जो भी हमारे पास यहाँ कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट लेंगे, क्यों इस सेट में से लेंगे तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ लेट हमने लिया कि जेड डैश इक्वल टू हमने ले लिया लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू, ये लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू वही लाइन सेगमेंट है फ्रेंड्स। अब इस लाइन सेगमेंट को हमें जेड क्लोज हाफ स्पेस में प्रूव शो करना है कि ये क्लोज हाफ स्पेस में है। फिर से हमने सी दोनों तरफ कॉमन लिया, मल्टीप्लाई किया सी का, तो सी लैम्डा एक्स वन प्लस सी वन माइनस लैम्डा एक्स टू। अब फ्रेंड्स सी और एक्स टू ये तो दोनों मैट्रिक्स है हमारे पास, बट लैम्डा और वन माइनस लैम्डा दोनों कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे। ये हमारे पास बाहर आ गया सी एक्स वन और आ गया ये सी एक्स टू। सी एक्स वन और सी एक्स टू वैल्यू हमने यहाँ से पुट की, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जेड छोटी वैल्यू है दोनों से, यानी सी एक्स वन से भी छोटी वैल्यू जेड है और सी एक्स टू से भी छोटी या बराबर वैल्यू जेड है, तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू को साइन आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे इससे लेस देन या लेस देन इक्वल टू वैल्यू पुट कर रहे हैं, इससे लेस देन इक्वल टू वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पांच है तो हम यहाँ चार पुट कर रहे हैं, तो फ्रेंड डेफिनेटली क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये और नेगेटिव और छोटा चला जाएगा, इस तरह छोटा चला गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, इधर का नंबर कुछ बड़ा हो जाएगा तो ये हो गया लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा प्लस जेड कॉमन ले लिया, ये वन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जेड हो गया। तो ये हमें फ्रेंड शो करना था, शो द हाफ स्पेस एच इज कॉनवेक्स। अब फिर हम नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनवेक्स सेट इज आल्सो कॉनवेक्स सेट, यानी कोई दो सेट है हमारे पास उनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी हमारे पास कॉनवेक्स सेट होगा। फिर इंटरसेक्शन हमेशा कॉनवेक्स सेट होता है, ये आप मतलब ये थ्योरम में प्रूव कर दूंगा, लेकिन अगर यूनियन की बात आ जाए तो यूनियन हमारे पास जरूरी नहीं है कि कॉनवेक्स सेट हो। यूनियन का सिंपली हम एग्जाम्पल लें, अगर एक्स एक्सिस लें और वाई एक्सिस लें, यानी एक एक सेट एस वन बराबर ले लिया हमने एक्स एक्सिस और बाई और एस टू बराबर ले लिया बाई एक्सिस हमने, तो अगर हम दोनों यूनियन करेंगे तो एक तो एक्स वन आएगा एक्स एक्सिस आएगा और बाई एक्सिस आएगा। अगर हम उनको दो लाइन सेगमेंट एक एक्स एक्स एक्सिस पे ले लें लाइन और दूसरा बाई पे ले लें और दोनों को मिलाएं तो लाइन जो आएगी वो हमारे पास या तो किसी ना किसी प्लेन में या एक्स वाई की तरफ आएगी या बाई एक्स की तरफ आएगी, किसी ना किसी क्वाड्रेंट पे आएगी, जो कि हमारे पास लाइन सेगमेंट के उसके पार्ट नहीं, ना तो एक्सिस पे आ रहे हैं ना बाई एक्सिस पे आ रहे हैं। तो एक एग्जांपल है सिंपली कि यूनियन उनका यूनियन जो होगा जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स सेट हो। अब इंटरसेक्शन प्रूव करते हैं, लेट एच वन एंड एच टू आर टू कॉन्वेक्स सेट, हमने ले लिए कि एच वन और एच टू दो कॉन्वेक्स सेट है, और जब इनका इंटरसेक्शन से हमने दो पॉइंट ले लिए लेट टू पॉइंट एच वन एच टू आर एंड एच वन इंटरसेक्शन एच टू। अब हमें फ्रेंड्स एच वन इंटरसेक्शन एच टू को कॉन्वेक्स शो करना है, तो उसके लिए हमें क्या शो करना होगा, यानी लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू जो होगा इनका लाइन सेगमेंट जो होगा वो जेड में एच वन इंटरसेक्शन एच टू में प्रूव कर रहे हैं। जो लाइन सेगमेंट को हमने जो शो करेंगे उसमें सारे पॉइंटों को उनको जेड हमने एक नाम दे दिया। ये जेड फ्रेंड्स एक वेरिएबल होता है लाइन सेगमेंट पे, यानी ये लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए जेड की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो ये हो गया हमारे पास, और लैम्डा की जो वैल्यू होगी जीरो से और वन के बीच में होगी। उसके बाद हमने चूंकि x1 और x2 बिलोंग्स टू h1 इंटरसेक्शन h2, यानी दोनों h1 और h इंटरसेक्शन h2 से बिलोंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर इंटरसेक्शन में है तो h1 और h2, x1 और h2 h1 में भी प्रूव होंगे और x1 h2 h2 में प्रूव होंगे, तो फिर इनका लाइन सेगमेंट होगा वो भी, बट h1 और h2 आर कॉन्वेक्स, तो अगर जो कॉन्वेक्स है तो उनका लाइन सेगमेंट जो होता है वो कॉन्वेक्स सेट में होता है। तो हमने उससे दे दिया कि लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू बिलोंग्स टू एच वन एंड लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू बिलोंग्स टू एच टू। तो अगर ये दोनों में है तो लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि इसमें भी है और ये इसमें भी है तो इंटरसेक्शन में भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि एच वन इंटरसेक्शन एच टू है वो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट है। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास पॉलीहाइड्रल कॉन्वेक्स सेट। पॉलीहाइड्रल कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या होती है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज हाफ स्पेस इन आर एन इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रल कॉन्वेक्स सेट। यानी कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो क्लोज हाफ स्पेस होता है वो कॉन्वेक्स सेट होता है। अब फ्रेंड्स क्लोज हाफ स्पेस का भी इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो मतलब कॉन्वेक्स सेट तो वो है क्लोज हाफ स्पेस, अब उसका भी इंटरसेक्शन भी हाफ कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि जो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ये हमने अभी पढ़ा है। अब थ्योरम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो थ्योरम है वो है हमारे पास लेट एस एंड टू आर टू कॉन्वेक्स सेट।
ऐसा टू कॉन्वेक्स सेट है तब तब उनका एल्फा एस प्लस बीटा टी आल्सो कॉन्वेक्स सेट, यानी कि उनका लीनियर सम है वो भी हमारे पास कॉन्वेक्स सेट होगा, ये लीनियर फॉर्म भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट होगा, ये हमें शो करना है। तो ये शो करने के लिए लेट एस वन एस इंटरसेक्शन आर एन एंड टी इंटरसेक्शन आर एन, ये हमारे पास भी टू कॉन्वेक्स सेट है, एस एन टी कॉन्वेक्स सेट दिए हुए हैं, एल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है, लेट एक्स वाई भी यानी टू पॉइंट इन एल्फा एल्फा एस प्लस बीटा टी, इसके हमने कोई दो पॉइंट मान लिए। अब जो फ्रेंड्स जो कि इसके हैं हमारे पास एल्फा एस प्लस बीटा टी के हैं, तो किसी ना किसी एस वन या एस टू की किसी ना किसी के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हमने ले लिया लेट एक्स बराबर एल्फा यू वन प्लस बीटा बी वन, और वाई बराबर ले लिया एल्फा यू टू प्लस बीटा बी टू। आप फ्रेंड्स इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एल्फा एस वन प्लस बीटा बी टी वन से बिलोंग कर रहा है, या एल्फा एस टू प्लस बीटा टी टू से बिलोंग कर रहा है, मैंने इनको अलग ले लिया क्योंकि बी यहाँ पे यू वन और यू टू जो है वो एस से बिलोंग कर रहे हैं, और बी वन एंड बी टू है वो टी से बिलोंग कर रहे हैं। अब फॉर एनी स्केलर, अब एक स्केलर लिया लैम्डा, लैम्डा जो कि जीरो से लैम्डा के बीच में है, उनका लेंथ सेगमेंट लेना है हमें दोनों पॉइंटों का, लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा बाई। इसके लिए हम क्या इसको पुट किया, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स की वैल्यू पुट की हमने यहाँ से, बाई की वैल्यू पुट की यहाँ से, ये वैल्यू को पुट किया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करने के बाद में हमने इसमें से अल्फा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे और यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा लैम्डा यू वन प्लस वन माइनस लैम्डा यू टू, इस तरह बीटा लैम्डा बी वन प्लस वन माइनस लैम्डा बी टू। अब यहाँ पे चूंकि एस जो है वो कॉन्वेक्स सेट है हमारे पास फ्रेंड्स, तो हमारे पास यू वन और यू टू भी कॉन्वेक्स सेट है, तो यू वन और यू टू एस से बिलोंग कर रहे हैं, तो लैम्डा यू वन प्लस वन माइनस लैम्डा यू टू भी एस से बिलोंग कर रहे होंगे, तो ये पूरा जो होगा अल्फा, और इसको हम कुछ और अलग लेते हैं कि एस डैश यानी कि लैम्डा की वैल्यू के लिए इसकी अलग वैल्यू आई है एस डैश, वो भी हमारे पास एस से बिलोंग कर रहा होगा। इस तरह बीटा लैम्डा बी वन प्लस वन माइनस लैम्डा बी टू, ये भी हमारे पास अगर हम पॉइंट दे दें कोई हमारे पास जैसे टी डैश दे दें, तो वो भी हमारे पास टी से बिलोंग कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम ये हो जाएगा एल्फा एस डैश प्लस बीटा टी, तो वो भी हमारे पास फ्रेंड्स इसी से इसी में से इसी सेट में से आ गया, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सेट है वो कॉन्वेक्स सेट है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था वो लिखा भी हुआ है, यहाँ से आप देख लीजिए पढ़ लीजिए। एंड सिमिलरली बी वन बी टू बिलोंग्स टू टू, लैम्डा बी वन प्लस वन माइनस लैम्डा आल्सो बिलोंग्स टू टी, जीरो लेस देन लैम्डा लेस देन वन, सो लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा बिलोंग्स टू एल्फा एस प्लस बीटा टी। तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा की इस वैल्यू के लिए, दस एक्स वाई बिलोंग टू एल्फा एस प्लस बीटा टी इम्प्लाइज लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा बाई बिलोंग्स टू एल्फा एस प्लस बीटा टी, सो एक्स एल्फा एस प्लस बीटा टी इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है। एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ अ सेट, कोई हमारे पास कॉन्वेक्स सेट होगा फ्रेंड्स, उसके हम एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है, इसको हम यहाँ पे तो हम डेफिनेट मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, हम इसको सिंपली हम कह सकते हैं जो एक्सट्रीमम पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स, जहां पे भी हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ जहां से भी मुड़ रहा होता है वो हमारे पास एक्सट्रीमम कॉन्वेक्स सेट होता है, मतलब उन सेटों का जो समूह होता है वो एक्सट्रीमम कॉन्वेक्स सेट होता है। डेफिनेशन देखते हैं हम, आ सेट एक्स इज कॉन्वेक्स, आ सेट एक्स इन अ कॉन्वेक्स सेट सी इज कॉल्ड एक्सट्रीमम पॉइंट इफ एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स वन एंड एक्स टू इन सी। यानी फ्रेंड्स ये वही डेफिनेशन हो गई कि हमारे पास एक सेट है उसमें एक्स वन एंड एक्स टू अलग पॉइंट हैं, तो उन पॉइंटों के बीच में हमारे पास हाँ अगर वो पॉइंट है वो उस पॉइंट को हम किसी दो पॉइंटों के लाइन सेगमेंट के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसे कौन से पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स ग्राफ में, वही पॉइंट होते हैं जो किसी कॉर्नर पे होते हैं, क्योंकि जो कॉर्नर पे हैं वो अगर हम लाइन सेगमेंट के रूप में हम लिखना चाहेंगे तो वो कॉर्नर से बाहर का एक पॉइंट लेना पड़ेगा हमें, तो उस कंडीशन में जो वो पॉइंट होगा वो हमारे पास उसका सेट नहीं हो, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि एक्स वन और एक्स टू डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो वो पॉइंट हमारे पास जो होंगे वो एक्सट्रीमम पॉइंट होंगे, और उनका जो सेट होता है वो हमारे पास एक्सट्रीमम पॉइंट होगा, तो एक्सट्रीमम पॉइंट का सेट होता है। अब मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन पढ़े तो वो है हमारे पास, आ पॉइंट एक्स इज एन एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ, आ पॉइंट एक्स इज एन एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट इफ देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी अदर पॉइंट एक्स वन एंड एक्स टू, आई एक्स वन और नॉट एक्स टू, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, यानी दोनों अलग अलग होने चाहिए फ्रेंड्स,
इन द सेट सच दैट एक्स बराबर लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, जहाँ पे जीरो लेस देन लेमड़ा लेस देन वन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक्स वन इक्वल नॉट एक्स टू लिखा है, इसको लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने लिखा हुआ है जीरो लेस देन लेमड़ा लेस देन इक्वल टू लेस देन वन, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इक्वल टू का साइन नहीं है तो एक्स वन और एक्स टू दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स जो कुछ प्रॉपर्टीज है एक्सट्रीमम पॉइंट की वो पढ़ते हैं हम। एन एक्सट्रीमम पॉइंट कैन नॉट बी बिटवीन एनी अदर टू पॉइंट्स ऑफ द सेट, यानी जो एक्सट्रीमम पॉइंट होगा वो किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में नहीं होगा, वो बाहर ही होगा एक तरह से। और दूसरा सेकंड है ऑब्वियसली एन एक्सट्रीमम पॉइंट इज अ बाउंड्री पॉइंट, एक जो बाउंड्री जो एक्सट्रीमम पॉइंट होगा बाउंड्री पॉइंट होगा। बट फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि सारे बाउंड्री पॉइंट्स होंगे हमारे पास वो एक्सट्रीमम पॉइंट्स होंगे। इसको हम एग्जांपल आगे देंगे, उसमें हम ये बता भी देंगे कि कौन कौन से पॉइंट एक्सट्रीमम है और कौन कौन से नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये आता है सम बाउंड्री पॉइंट मे बी लाइज बिटवीन टू एक्सट्रीमम पॉइंट्स, जो कुछ बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो जो एक्सट्रीमम पॉइंट है उसके बीच में हमारे पास लाइज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमने एक ग्राफ लिया है और इसमें हम देखते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स एक्सट्रीमम पॉइंट जो हमने पहले ही बोला है जो कॉर्नर पर है वो हमारे पास एक्सट्रीमम पॉइंट होंगे। सिंपली देख लीजिए यहाँ पे ए कॉर्नर है, बी कॉर्नर है, सी कॉर्नर है, डी कॉर्नर है एंड ओ कॉर्नर है, तो ये हमारे पास एक्सट्रीमम पॉइंट होंगे। और ये हमारे पास जैसे ई है, ई और एफ ए कॉर्नर लाइन बाउंड्री पॉइंट पर तो है लेकिन ये एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे हम एक्स वन यहाँ पे लें और एक्स टू यहाँ पे लें तो इन लाइनों के बीच में इस पॉइंट को लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम जैसे ए को लिखने की कोशिश करें तो किस पॉइंट के बीच में लिखेंगे, ए को अब इधर से एक पॉइंट ले लेंगे तो हम दूसरा पॉइंट जो लेना पड़ेगा इससे बाहर लेना पड़ेगा जो कि बाहर चला जाएगा। इधर ऐसे इधर लेंगे तो दूसरा पॉइंट जाएगा बाहर जाएगा, मतलब किधर से भी लें दूसरा एक पॉइंट बाहर जाएगा उसके। तो इस तरह एक पॉइंट को हम कहेंगे कि बाउंड्री जो पॉइंट है एक्सट्रीमम पॉइंट है। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं वो हमारे पास कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स हैं उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्या होता है वो देखते हैं। अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, फाइनाइट नंबर के पॉइंट है एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एक्स बराबर लेमडा वन एक्स वन प्लस लेमडा टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट लेमडा एम एक्स एम, जहाँ पे जो सम ऑफ लेमडाज है वो हमारे पास वन होना चाहिए और सभी लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है सभी लेमड़ा फ्रेंड्स या और लेमड़ाओं का सम हमारे पास वन है तो सारे जो लेमड़ाओं की रेंज होगी वो हमारे पास जीरो और वन के बीच में होगी। अब इस पर थ्योरम आती है हमारे पास, वो थ्योरम है द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन इज अ कॉन्वेक्स सेट, यानी कि जो सेट उनका सेट है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का वो हमारे पास कॉन्वेक्स होगा, ये हमें शो करना है। तुमने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का सेट ले लिया, एक x जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, i बराबर 1 टू m लैम्डा i x i और इस तरह से लिखे जा सकते हैं ये, और i लैम्डा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ लैम्डा i इक्वल टू 1 टू शो दैट इट इज कॉन्वेक्स। तो हमने इसको शो करने के लिए हमने दो पॉइंट ले लिए बाय वन एंड बाय टू। अब जो ये सी के पॉइंट है तो ये सी के पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी किसी लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास एक्स आई ऐसे मिल जाएंगे कि उनका जो सम होगा लैम्डा आई और एक्स आई इस तरह मिल जाएंगे उनका सम होगा जो वाई के इक्वल होगा वाई आई और वाई वन और वाई टू के। तो इस तरह से वाई वन हो गया हमारे पास और इस तरह से वाई टू हो गया, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये पुट कर लिया है। अब नाउ कंसीडर द वेक्टर, अब एक हमने वेक्टर जो कि लाइन सेगमेंट का जो वेक्टर है वो हमने कंसीडर किया है कि लाइन सेगमेंट का वेक्टर जो जेड के इक्वल दिया हमने लैम्डा वाई वन प्लस वन माइनस लैम्डा वाई टू, ये हमने कंसीडर किया है। तो ये लैम्डा वाई वन, तो वाई वन की हमने वैल्यू पुट की है फ्रेंड्स, वाई वन की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है हमारे पास, तो वाई वन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। इसके बाद वाई टू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वाई टू की वैल्यू ये थी, ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आई बराबर वन टू एम लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इधर वन माइनस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने फ्रेंड्स यहाँ के बाद। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक्स आई ये और यहाँ पर भी एक्स आई है तो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये सम है और मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो यानी कि सभी में एक्स आई मिल जाएगा हमारे पास। तो हमने एक्स आई को कॉमन ले लिया, यानी कि कहीं पे हमारे पास आई बराबर वन के लिए एक्स वन कॉमन आएगा, आई बराबर टू के लिए एक्स टू कॉमन आएगा, इस तरह से हर आई के लिए एक कॉमन आ जाएगा और इस कंडीशन ये कंडीशन आ जाएगी। तो फिर हमने इस वैल्यू को दे लिया हमने न्यू आई, इसको हमने इस वैल्यू को जो दिया इसका नाम दे दिया न्यू आई, तो ये हो गया आई बराबर वन टू एम न्यू आई एक्स आई। अब फ्रेंड्स अगर हम ये शो कर दें कि जो न्यू आई का है, न्यू आई की जो वैल्यू है इसका ये वन के इक्वल है, तो हमारे पास जो
प्रूफ है हमारे पास कॉन्वेक्स सेट ये हो जाएगा, तो हम वो प्रूफ करने के लिए चलते हैं। वेयर न्यू आई बराबर लेमड़ा लेमड़ा आई डैश प्लस वन माइनस लेमड़ा लेमड़ा आई डबल डैश, ये है हमारे पास। अब न्यू आई की सम ऑफ न्यू आई, तो हमने सम ऑफ न्यू आई के बाद लिख लिया, यहाँ से फिर लेमड़ा कॉमन ले लिया, यहाँ से वन माइनस लेमड़ा कॉमन ले लिया। अब फिर सम ऑफ लेमड़ा आई क्या है हमारे पास वन, और सम ऑफ वन लेमड़ा आई डबल डैश क्या है ये भी हमारे पास वन है, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से हमने की वैल्यू वन पुट कर दी, तो लेमड़ा प्लस वन माइनस लेमड़ा इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास ये बन के इक्वल पुट हो गया, तो हमारे पास ये कंडीशन भी हो गई कि सम ऑफ न्यू आई इक्वल टू वन, यानी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। न्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इससे हो गए, क्योंकि लेमड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, लेमड़ा डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, वन माइनस लेमड़ा भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, क्योंकि लेमड़ा की वैल्यू वन और जीरो के बीच में होती है, और लेमड़ा आई डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो न्यू आई जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इस तरह से हमारे पास फ्रेंड्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि न्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और सम ऑफ न्यू आई इक्वल टू वन, तो ये हो गया हमारे पास। तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि जो जेड है वो भी हमारे पास इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, वो हमारे पास एक कॉन्वेक्स सेट होगा। अब फ्रेंड्स हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कॉन्वेक्स हल क्या होता है। कॉन्वेक्स हल की जो डेफिनेशन है, आ कॉन्वेक्स हल सी एक्स इज एनी गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स इज द सेट ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स पॉइंट फ्रॉम एक्स, यानी जो कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के रूप में है हमारे पास, उन सेटों को जो भी सेट होगा, उन पॉइंटों को जो भी सेट होगा वो हमारे पास कॉन्वेक्स हल होगा। इन अदर वर्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग एक्स, यानी जो कॉन्वेक्स सेट है वो कॉन्वेक्स सेट को हमारे पास कंटेन कर रहे हैं, उन सारे सेटों का जो वो होगा सेट होगा कॉन्वेक्स सेट होगा, तो उसके दो कंडीशन हमारे पास इसकी ये इनको सेटिस्फाई करेगा। जो हमारे पास कॉन्वेक्स हल होगा वो इससे शो करते हैं, और वो कॉन्वेक्स हल जो होगा उसका जो एक एक्स जो होगा, अगर एक्स का कॉन्वेक्स हल ले रहे हैं तो वो एक्स जो होगा उसका सबसेट होगा। इस तरह से अगर डब्ल्यू एक्स सबसेट ऑफ डब्ल्यू, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो एक्स है उसका कॉन्वेक्स हल जो होगा वो डब्ल्यू का सबसेट होगा। अब फिर आते हैं हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। फंडामेंटल थ्योरम क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम कंसिस्ट द कॉन्वेक्स सेट हुज एक्सट्रीमम पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन, यानी कि कॉन्वेक्स सेट है हमारे पास, एक फेजिबल सॉल्यूशन है, उनका जो सेट होता है फेजिबल सॉल्यूशन का जो सेट होता है वो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट होता है। अब फ्रेंड्स ये प्रूव करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो हम जैसे अगर फेजिबल रीजन ओनली एक पॉइंट है तो उस कंडीशन में तो ऑटोमेटिक ही, क्योंकि एक पॉइंट है वो कॉन्वेक्स ही होगा। अगर जीरो पॉइंट है उसमें तो फाई खाली है तो वो कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसमें कोई पॉइंट ही नहीं, तो उसको हम कॉन्वेक्स कह सकते हैं। अब अगर आते हैं हमारे पास उसमें कम से कम दो पॉइंट हैं, उस केस में हम यहाँ प्रूव करके दिखा रहे हैं। लेट एफ इज द सेट ऑफ फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम है ए एक्स बराबर बी, यानी ये सिस्टम के फेजिबल सेट सॉल्यूशन का जो पॉइंट है सेट है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे एफ के सारे पॉइंट्स। तो इसमें से हमने इफ द सेट एफ इज द सॉल्यूशन हैज ओनली वन एलिमेंट देन एफ इज कॉन्वेक्स एंड थ्योरम ट्रू इन दिस केस। नाउ एज्यूम दैट देयर एटलीस्ट टू पॉइंट, अगर हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास कम से कम दो पॉइंट तो हैं, तो उस कंडीशन में हमें शो करने के लिए लेट जेड बराबर लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, ये है हमारे पास, और जहां जीरो लेस देन लैम्डा लेस देन वन, ये है हमारे पास। इस तरह से ये कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या है इसको एक्स वन और एक्स टू जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर रहे हैं, तो ए जेड दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स, फिर से वही जैसे लैम्डा लैम्डा ये तो मैट्रिक्स है, एक्स वन भी मैट्रिक्स है, बट लैम्डा है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, और ए एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू हमने बी पुट कर दी यहाँ से, और ये इक्वल टू ए जेड बराबर बी हो गया, तो लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू इज अ फेजिबल सॉल्यूशन, सो इट इज कॉन्वेक्स सेट। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास एक रीजन, हम भी एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई हमारे पास ग्राफ है, 2D में ग्राफ है, और अगर हमारे पास दो पॉइंट है अलग अलग, और दोनों पे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू ऑप्टिमम आ रही है, यानी या तो मिनिमम आ रही है मैक्सिमम आ रही है, बट दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में उन दोनों पॉइंटों को जो मिलाने वाली जो लाइन होगी उस पे भी हमारे पास जो वैल्यू होगी जेड की, यानी कि ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। अब फिर से नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ये है
प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम इज कॉन्वेक्स, यानी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन का सेट है वो कॉन्वेक्स है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, लेट मैक्सिमम जेड बराबर सी टी एक्स, ये कोई प्रॉब्लम है हमारे पास सब्जेक्ट टू कंडीशन ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर बी, एक्स लेस देन बी, एक्स लेस ग्रेटर देन बी, कुछ भी ले लीजिए, इससे इफेक्ट नहीं पड़े, सर इफेक्ट पड़ता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम क्या ले रहे हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम मैं मैक्सिमम के लिए प्रूव कर रहा हूँ, आप मिनिमम के लिए प्रूव कर सकते हैं इसको। ये हो गया, मैं ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और लेट एक्स बराबर इस तरह के सेट ले लिया। अगर फ्रेंड्स इसमें ये इसमें भी यही कंडीशन आती है, अगर जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ही नहीं उसका, नो सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में वो ऑटोमेटिक कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट पे कॉन्वेक्स होता है, अगर उसमें एक से ज्यादा दो ज्यादा पॉइंट है तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं, एक से ज्यादा पॉइंट है तो देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे एन पॉइंट ले लिया हमने कि उसमें एक से ज्यादा पॉइंट है, तो हमने ये ले लिया मैक्सिमम जेड बराबर सी टी एक्स वन इक्वल टू सी टी एक्स टू, सभी पे हमारे पास सी टी एक्स एन वैल्यूज होंगी। नाउ लेट जेड बराबर लैम्ब्डा एक्स आई प्लस वन माइनस लैम्ब्डा एक्स जे, ये हमने कोई दो पॉइंट ले लिए और उसका लेंथ सेगमेंट ले लिया, उस लेंथ सेगमेंट पे हमने चेक किया तो उस दोनों तरफ सी का सी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को जेड के इक्वल पुट करना है, सी टू सी ट्रांसपोज जेड इक्वल टू हमारे पास ये मैक्सिमम जेड आ जाना चाहिए, यानी कि एम आ जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह हमको सॉल्व किया फ्रेंड्स। यहाँ से लैम्ब्डा का इसमें कॉमन बाहर ले लिया, सी टी एक्स वन और सी टी ट्रांसपोज एक्स जे इक्वल टू दोनों एम है, एम की यहाँ वैल्यू पुट की, उसके बाद हमने यहाँ एम को कॉमन लिया तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, ये सी ट्रांसपोज जेड आ जाएगा इक्वल टू एम। तो फ्रेंड्स ये हो गया लैम्ब्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्ब्डा एक्स जे बिलोंग्स टू एक्स फोर सम आई जे इक्वल टू वन ऑफ कॉन्वेक्स सेट। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि अगर हमारे पास एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो हमारे पास वो यूनिक होगा, और अगर हमारे पास दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाते हैं, दो अलग अलग ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि उनका लेंथ सेगमेंट है लैम्ब्डा, क्योंकि एक्स वन एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, एक्स टू एक दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और उस कंडीशन में एक्स वन और एक्स टू का जो लेंथ सेगमेंट है लैम्ब्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्ब्डा एक्स टू, यानी लैम्ब्डा की हम जीरो से और वन के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं, तो उन पे भी एक अलग ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका मतलब हो गया अगर हमारे पास दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो हम कह सकते हैं इसमें जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का नंबर होगा वो इनफाइनाइट होगा। अब फिर से हम एक नए एग्जांपल लेते हैं, सो देयर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम विद बाउंडेड फेजिबल रीजन इज बाउंडेड, यानी कोई लीनियर प्रोग्राम है और उसका जो फेजिबल रीजन है वो बाउंडेड है, तो हमारे पास जो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा बाउंडेड फेजिबल रीजन इज बाउंडेड, यानी जो उसका यानी कोई लीनियर प्रोग्राम है उसका जो रीजन है वो बाउंडेड है, तो उसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा बाउंडेड होगा। और एक काउंटर एग्जांपल दीजिए, अगर जो रीजन है वो अनबाउंडेड है उस कंडीशन में भी हम जो सॉल्यूशन आएगा वो बाउंडेड होगा। फ्रेंड्स हमने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है वो बाउंडेड और अनबाउंडेड कब होते हैं, वो बाउंडेड तब होते हैं जब उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ फाइनाइट हो, और अनबाउंडेड तब होती है जब उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनफाइनाइट हो। तो अब फ्रेंड्स ये हम देखते हैं कि हमारे पास एक हमने प्रॉब्लम ले ली, उसका हमने रीजन है वो बाउंडेड लिया, यानी कि ये मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन जीरो, हमने इस तरह से ले लिया कि कोई हमारे पास इस तरह ग्राफ बन जाए, वो कैसे भी ग्राफ होगा लेकिन वो होगा बाउंडेड, यानी कि वो हर तरफ से बाउंडेड होगा, इधर तो एक्स एंड वाई एक्स वन एंड एक्स टू जो एक्स से ढका हुआ होगा लेकिन आगे भी वो ढका हुआ होगा, कुल मिला के वो बाउंडेड होगा। जी हमने एज अ एल पी पी विथ बाउंडेड फेजिबल रीजन, हमने ले ली कि एल पी पी एस का जो रीजन है वो बाउंडेड है, बाय द बाउंडेडनेस ऑफ रीजन एक्स मस्ट हैव ए फाइनाइट वैल्यू, यानी कि जो इसकी रीजन है वो बाउंडेड है, तो वो बाउंडेड तभी होंगे कि जब उसके एक्स यानी सारे जो पॉइंट हैं, यानी कोई भी हम उसका पॉइंट ले लें, कोई भी ले लें, तो उस पॉइंट का जो वैल्यू होगी वो बाउंडेड होगी, यानी वो पॉइंट जो होगा वो बाउंडेड होगा, यानी उसका कोई फिक्स नंबर होगा, कहीं भी इनफाइनाइट नहीं आ रहा होगा। तो उस कंडीशन में अगर वो हमारे पास फाइनाइट है और वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ द रीजन इज बाउंडेड, यानी वैल्यू जो इसके पॉइंट होंगे वो उनको हम लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट को हम अगर चाहें तो उनकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, और वी कैन से द एक्सट्रीमम पॉइंट, यानी जो हम ये भी पढ़ चुके हैं जो ऑप्टिमल वैल्यू होती है वो उसी पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो एक्सट्रीमम पॉइंट है उन्हीं पर हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू आती है, तो ये कह सकते हैं कि जो ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो फिक्स्ड है, यानी कि
या तो उनके नंबर फिक्स हैं या उनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स वन एक्स टू, जैसे कि एक्स वन की जो रेंज है कुछ एम से छोटी होगी, एक्स टू की रेंज भी कुछ एम से छोटी होगी, इस तरह सभी रेंज कुछ एम से छोटी होगी, यानी हाईएस्ट रेंज जो है वो एम है, ये एम लेके चल लो आप फ्रेंड्स। तो एम पे उस पे जो मैक्सिमम जेड है, जहाँ सी ट्रांसपोज भी ये कांस्टेंट है और ये एक्स भी कांस्टेंट है, तो इसकी जो कांस्टेंट टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, फाइनाइट और फिक्स। सी ट्रांसपोज कांस्टेंट मैट्रिक्स एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइनाइट, जो सी ट्रांसपोज एक्स इज फाइनाइट और फिक्स, ये हो गया। तो हमने कह दिया फ्रेंड्स जो वो सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास बाउंडेड होगा। अब हम काउंटर एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू है जो रीजन है वो अनबाउंडेड है और उस कंडीशन में भी हमारे पास वैल्यू होगी बाउंडेड होगी। तो हमने एग्जांपल ले लिया मिनिमम जेड बराबर एक्स वन और जो रीजन लिया हुआ है वो ले लिया हमने एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये रीजन ले लिया फ्रेंड्स। तो ये एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी कि ये पूरा जो रीजन है ये हमने ले लिया इस पे वन वेरिएबल में ले लिया, सेकंड वेरिएबल को हमने यूज ही नहीं किया कहीं पर भी, और अगर सेकंड वेरिएबल में भी हम लेना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं कि हम ये एक्स वन प्लस एक्स टू ले लें, एक मैक्सिमम मिनिमम एक्स वन प्लस एक्स टू और सब्जेक्ट टू कंडीशन हम दे दें एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन में भी हमारे पास पूरा ये रीजन आ जाएगा। तो उस कंडीशन में भी हम देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू आएगी वो जीरो जीरो पे आएगी, जैसे इसमें आ रही है, इस पर ये जो फेजिबल रीजन है ये पूरा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस चल रहा है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इन रीजन है वो अनबाउंडेड हो गया। बट जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो हमारे पास एक्स वन बराबर जो जीरो पे ही आएगी, क्योंकि और पे तो ये पॉजिटिव चलता जाएगा, बड़ी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इससे छोटी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती इसकी। तो हम कह सकते हैं जो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो बाउंडेड हो गया। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, प्रूव दैट द मैक्सिमम ऑफ एलपीपी अकर एट सम एक्सट्रीमम पॉइंट, मिनिमम ऑफ एलपीपी। फ्रेंड्स ये मिनिमम लिया है, आप मैक्सिमम भी ले सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एक्सट्रीमम पॉइंट पे ही लाइज करेगा, हमें ये शो करना है इसमें। तो लेट मिनिमम जेड बराबर सी टी एक्स ले लिया हमने ये, और सब्जेक्ट टू कंडीशन ले ली एक्स इक्वल टू बी। नाउ लेट एक्स जीरो इज अ फेजिबल पॉइंट विच इज नॉट एन एक्सट्रीमम पॉइंट, यानी हमने एक्स जीरो पॉइंट ले लिया कि जो फेजिबल पॉइंट है बट एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, एंड एक्स जीरो सेटिस्फाई द कंडीशन, और वो मिनिमम जेड उस पॉइंट पे मिनिमम जेड आ रहा है, हमने ले लिया कि वो एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, एक अंदर का पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है और उस पे मिनिमम आ रहा है, हमने ये ले लिया फ्रेंड्स। इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉन्स्टेंट, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू अंदर आ रही है, अंदर के किसी पॉइंट पे आ रही है, वही किसी सेकंड पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वो सेम वैल्यू आएगी, यानी कि एक्सट्रीमम पॉइंट पे भी वही सेम वैल्यू आएगी, और उस कंडीशन में हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं हम, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हमने जो एक्स जो लिया है उस पॉइंट को हम एक्स, नाउ लेट टू पॉइंट एक्स वन एक्स टू इन द फेजिबल रीजन एंड एक्स वन एक्स टू इज नॉट एन एक्सट्रीमम पॉइंट, यानी हमने दो पॉइंट ले लिया एक्स वन एंड एक्स टू जो कि फेजिबल रीजन में है लेकिन उसका एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, यानी वो भी अंदर के इंटीरियर पॉइंट ही ले लिया हमने फ्रेंड्स। उसके बाद हमने एक्स दो ये हमने अलग है और सी टी एक्स जीरो जो कि हमारे पास मिनिमम पॉइंट है, तो मिनिमम से कुछ बड़ा होगा, यानी सी टी एक्स वन पर एम से बड़ा है और सी टू एक्स टू पे भी एम से बड़ा है, इस तरह दो पॉइंट ले लिया हमने। अब x0, x1, x2 आर पॉइंट ऑफ फेजिबल रीजन, और फेजिबल रीजन जो होता है वो हम जानते हैं कॉन्वेक्स से कॉन्वेक्स होता है, तो उसके सारे पॉइंट कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो हमने x0 को इस तरह लिख दिया लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, इस तरह से लिख दिया, तो x0 बराबर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, दोनों तरफ सी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया तो सी टी लैम्डा x1 प्लस सी टी 1 माइनस लैम्डा x2। उसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास सी टी एक्स जीरो, तो लैम्डा ये ट्रांस ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स, बट लैम्डा ये कॉन्स्टेंट है तो लैम्डा को कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा और इस तरह वन माइनस लैम्डा को यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो ये कॉमन ले लिया। उसके बाद ये बच गया लैम्डा एम प्लस वन माइनस लैम्डा एम, यानी कि एम है उसमें कुछ बड़ा नंबर था, बड़ा नंबर हमने यहाँ पुट किया इस इनकी जगह हमने बड़ा नंबर पुट किया, तो बड़ा नंबर और ये दोनों लैम्डा पॉजिटिव है, वन माइनस लैम्डा पॉजिटिव और पॉजिटिव और कुछ बड़ा नंबर हमने उसके पुट किया, तो डेफिनेटली ये नंबर होगा स्टेप इससे बड़ा हो जाएगा, तो सी टी एक्स जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हम तो कह रहे थे कि सी टी एक्स जीरो जो था वो एम के इक्वल है, लेकिन ये कह रहा है कि सी टी एक्स जीरो एम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो जो हमने माना था कि सी टी जो एक्स जीरो पॉइंट है वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है, एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, वो उसका एक कॉन्ट्राडिक्शन है,
तो इसे हम कह सकते हैं कि एक्स जीरो है वो एक्सट्रीमम पॉइंट है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो है कंसीडर द एलपीपी। थ्योरम दी हुई है हमारे पास, कंसीडर द एलपीपी मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स। सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन दी हुई है, वो है हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेट एस बी द फेजिबल रीजन ऑफ एलपीपी। लेट एवो एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक्स स्टार यानी एक्स स्टार कोई पॉइंट है, उस पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिया हुआ है यानी मैक्सिमम जेड लिया हुआ है, तो हमें शो करना होगा कि एक्स स्टार कैन नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट, यानी एक्स स्टार है कोई अंदर का पॉइंट नहीं है। और साथ में हमारे पास फ्रेंड्स एक कंडीशन में इसमें लिखना भूल गया हूँ मैं, वो है हमारे पास कि जो सी टी एक्स यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर कॉन्स्टेंट होगा तो उस कंडीशन में तो एक्सटीरियर इंटीरियर पॉइंट पर भी आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो पूरे रीजन में एक ही वैल्यू दे रहा होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहा होगा, तो इस कंडीशन में एक्स्ट्रा इंटीरियर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्टार जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि सी टी एक्स है वो कॉन्स्टेंट ना हो। लेट एक्स स्टार इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, हमने ये ले लिया कि एक्स स्टार ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो दिया हुआ है। देयरफॉर सी टी एक्स स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू सी टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि इन सारे और वैल्यूओं से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ये एक्स के, क्योंकि ये तो सबसे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है, ऐसे तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो बाकी सारे पॉइंटों पे ये लेस देन इक्वल टू के सारे पॉइंट होंगे, यानी इससे सब छोटे होंगे, तो ये हमने मान लिया। अब हमने ले लिया कि एक्स स्टार बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ एक्स, यानी कि हमने मान लिया कि जो एक्स स्टार है वो इंटीरियर पॉइंट है। अब हम एक कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो एक्स स्टार इंटीरियर पॉइंट नहीं रहेगा। तो अगर इंटीरियर पॉइंट है तो वहाँ पे इंटीरियर पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट है तो हम एक उसमें एक छोटा सा एक सर्कल बना सकते हैं, यानी कि नेबरहुड बना सकते हैं डेल ग्रेटर देन जीरो डेल रेडियस का, कि इस तरह से एक वो बना सकते हैं, हम सर्कल बना सकते हैं। तो लेट ये ले लिया हमने, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो इंटीरियर पॉइंट है। तो लेट एक्स बार बराबर एक्स स्टार प्लस डेल बाई टू डॉट सी अपॉन वन बाई सी, ये इस तरह पॉइंट लिया है हमने, जो एक्स बार जो पॉइंट है वो जो हमने इसका नेबरहुड बनाया है उसके अंदर का एक पॉइंट लिया है हमने, यानी एक्स स्टार का एक डेल रेडियस का एक नेबरहुड बनाया है और उसके अंदर एक पॉइंट लिया है हमने, उसके अंदर जो पॉइंट है। अब यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं पहले कि ये जो पॉइंट है वो उसके अंदर है, उसके अंदर के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो रेडियस है यानी इसका जो नॉर्मलाइजेशन करेंगे इसका हम, तो वो हमारे पास इस डेल से छोटा जाए। तो ये क्या हमने, तो एक्स बार माइनस एक्स स्टार, तो एक्स स्टार से एक्स स्टार कर जाएगा डेल बाई टू और डॉट सी अपॉन नॉर्मलाइजेशन ऑफ सी, तो इससे ये मोड सी और मोड सी हो जाएगा, तो ये कर जाएगा तो डेल बाई टू, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो डेल बाई टू, यानी कि जो डेल से छोटा है, डेल कुछ पॉजिटिव नंबर है तो उससे छोटा आ गया। तो ये हम कह सकते हैं जो एक्स बार है वो इस नेबरहुड में ही एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने उस एक्स बार पे वैल्यू निकाली इसकी, सी ट्रांसपोज एक्स बार की, सी ट्रांसपोज एक्स बार एक्स स्टार प्लस डेल बाई टू सी अपॉन मोड सी, ये निकाली फ्रेंड्स। तो सी ट्रांसपोज एक्स स्टार प्लस इसका सी ट्रांसपोज का यहाँ मल्टीप्लाई किया सी डेल बाई टू, इसका तो फिर मोड सी और मोड सी हो जाएगा क्योंकि ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ये वही ट्रांस इसका नॉर्मलाइजर कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड सी स्क्वायर, तो मोड सी से मोड सी कट जाएगा एक और ये हमारे पास जाएगा सी ट्रांसपोज एक्स स्टार प्लस डेल बाई टू और मोड सी। तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव नंबर होता है हमारे पास, ये हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो मैं नहीं पता, ये क्या पता नहीं कुछ वैल्यू होगी हमारे पास, लेकिन ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब कोई किसी वैल्यू में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी तो नंबर बड़ा आएगा डेफिनेटली, जो ये इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो इससे बड़ी आ जाएगी, यानी इसमें कुछ सम पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो जो नंबर आएगा ना कुछ पॉजिटिव आएगा, तो इससे ये कह सकते हैं कि सी ट्रांसपोज एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स स्टार। तो ये हमारे पास एक, बट जो हमने माना था वो माना था हमारे पास सी ट्रांसपोज एक्स स्टार, यानी एक्स स्टार को ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, बट ये हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स स्टार है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको इस में कोई टॉपिक में किसी में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करके दे दूंगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।